दोस्तों, अगर आप अपने SBI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। SBI बैंक इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको SBI के पोर्टल पर जाना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो प्रोसेस किया है उसे अपने लैपटॉप से किया है। अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको क्रोम ब्राउजर में ओपन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट बटन्स के दिख जाएंगे, आपको उसे क्लिक करना होगा और फिर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप ये पूरी प्रोसेस को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप में आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपसे बहुत सारे डिटेल्स मांगा जाएगा। इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड, कंट्री, मोबाइल नंबर सारे फिल कर देने होगा। दोस्तों, आपका जो CIF नंबर है वो आपके पासबुक पर प्रिंट होते हैं, आप वहाँ से अपना CIF नंबर को ले सकते हैं। साथ ही ब्रांच कोड भी वहाँ पर प्रिंट होता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको फैसिलिटी रिक्वायर्ड में आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट्स को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है, फिर यहाँ पर आई एग्री बटन्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कैसे एक्टिवेट करना चाहते हो। इसमें आपको आई हैव माई ATM कार्ड पर सिलेक्ट करना है, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको ब्रांच से एक्टिवेशन कराना होगा, आप ऑनलाइन एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके कार्ड डिटेल्स दिखाई देंगे, आपको उस ATM कार्ड को सिलेक्ट करना है और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको आपके ATM कार्ड का एक्सपायरी नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पर आपके ATM कार्ड के पिन को इंटर करना है। यहाँ पर उसके बाद आपको कैप्चा को फिल कर देना है। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा, योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस, मतलब कि आपका जो डेबिट कार्ड का वैलिडेशन है वो सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना यूजर नेम भरना है, जो कि कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसे यूजर नेम भरना है जो कि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि इसी यूजर नेम से आप अपने SBI का लॉगिन हमेशा करेंगे। दोस्तों, जब आप अपना यूजर नेम इंटर करते उसके बाद चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना है, ताकि आपका जो यूजर नेम है वो अवेलेबल भी है या नहीं। जब आप दोस्तों क्लिक कर देंगे तो आपको ग्रीन कलर का एक मैसेज आ जाएगा कि यूजर नेम इज अवेलेबल। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है। दोस्तों, पासवर्ड में आपको एक कैपिटल वर्ड, एक स्मॉल वर्ड, एक सिंबल और नंबर होने चाहिए। जैसा कि पासवर्ड आप india@123 रख सकते हैं, उसमें इंडिया आई कैपिटल रख सकते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और आपने जो यूजर नेम रखा था उसके द्वारा यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका SBI का इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करना है। दोस्तों, आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड सेम नहीं रख सकते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ डिफरेंट अपने प्रोफाइल पासवर्ड को रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हिंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और आपको हिंट आंसर लिख देना है। ये आपको दोस्तों जब आप अपने प्रोफाइल पासवर्ड को रिसेट करते हैं उस वक्त काम आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, आपको उसे इंटर करना है
और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपका जो पासवर्ड है वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने SBI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर पाएंगे।